सबसे पहले तो मैं सब मंडी वासियों को क्रिसमस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि परमेश्वर जो है तो अपने इकलौते पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को हम सब के लिए इस जमीन के ऊपर भेजा, ताकि हम सब जो है तो आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो क्रिसमस आज हम मना रहे हैं सब इकट्ठे होके, तो ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के आने की खुशी के कारण है। और ये खुशी हम तभी मना रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा काम किया है। उस काम के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, तो आज वो ही कारण है कि हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज प्रभु यीशु मसीह का जो हम जन्मदिन मना रहे हैं। पता है कि आज 25th डे है, तो आज का दिन क्रिसमस के नाम से जाना जाता है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि आज के दिन में परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा, धरती पर भेजा, ताकि हम सब उद्धार पाए, ताकि कोई भी जो है परमेश्वर से दूर ना रहे और हर एक जन परमेश्वर के बारे में जाने और जो है अपने उद्धारकर्ता को जाने कि हमारा उद्धारकर्ता एकमात्र यीशु मसीह है। Thank you.
प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने 2017 साल में एक बार फिर हमें क्रिसमस मनाने का मौका दिया है और हमने बड़ी धूमधाम से प्रभु यीशु मसीह का जो जन्मदिन जिसको क्रिसमस बोलते हैं हमने सेलिब्रेट किया है। और हम धन्यवाद देते हैं कि इस प्रोग्राम के बीच में जहाँ बहुत से लोगों ने मिलकर भाग लिया और नए नए लोग आए और जो सत्संग में आते वो भी आए और नए लोगों ने भी आए। और सबसे बड़ी बात इस प्रोग्राम में रही कि एक बढ़िया संदेश जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर सबको दिया गया और बच्चों ने खूब सेंटा के साथ मस्ती की है और बच्चों ने टॉफियां ली हैं और हर बच्चे को आज एक एक सेंटा भी दिया गया है कि वो जब भी सेंटा को देखें और याद करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धारकर्ता पैदा हुआ है यीशु मसीह और मुझे जो मैं क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च का पादरी हूँ मंडी के अंदर, मुझे परमेश्वर ने इस स्थानीय कलीसिया में 2005 से हमने जो काम स्टार्ट किया जहाँ पे रखा हुआ है और वो सेवा जो है प्रभु ने आज फिर हमसे ली है और इस चर्च जो है हमेशा चलता है और हर संडे जहाँ पे इस चर्च में सत्संग भी होता है कंफर्ट होटल के अंदर हमने एक हॉल बुक किया है वहाँ पे हम इस प्रार्थना को रेगुलर करते हैं। और इस क्रिसमस के बाद कोई और भी अगर किसी को परेशानी जो इस समस्या है तो वो प्रार्थना करवाना चाहता है उसका भी स्वागत है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही है कि परमेश्वर ने साल में हमें मौका दिया और हमने सब लोगों ने मिलकर इस क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और मंडी वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमे जैसे बड़े दिन के ऊपर क्रिसमस के दिन के ऊपर बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। मालिक आप सबको बरकत दे, हमारे शहर के अंदर बड़ी आशीष और शांति का माहौल हो और परमेश्वर इस शहर को अपनी शांति में बनाए रखें जिसके लिए यीशु मसीह आया। और एक बार धन्यवाद देते हुए और नए साल की भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार फिर क्रिसमस की शुभकामनाएं।